सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे तुलसी के राम। यह पाठ तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली से लिया गया है। इस पाठ में तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के जीवन, बाल लीला का और उनके रूप का वर्णन किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसीदास जी राम भक्त कवि थे, उनके सभी ग्रंथों में रामचंद्र जी के जीवन का ही वर्णन है। तो इस पाठ में भी कुछ पंक्तियां ली गई उनके जीवन से ही, बाल जीवन से, जिनको हम अर्थसहित जानेंगे। अवदेश के द्वारे सकारे गए सुत गोद के भूपति ले निकसे, अब लोक हूं सोच विमोचन को ठगी सी रही जो ठगे दिखसे। अर्थात दो सखियां बात करती हैं और तब एक सखी कहती है कि आज सुबह जब मैं अवधेश अर्थात अयोध्या नरेश दशरथ के दरवाजे पर गई, तभी दशरथ अपने पुत्र को गोद में लेकर बाहर आते हैं। उस बालक की सुंदरता को देखकर, जो कि शोक और चिंता को मिटाने वाली है, मैं ठगी सी रह गई। उस बालक की सुंदरता को देखकर जो नर मोहित ना हो, ठगा सा ना रह जाए, उसके जीवन पर धिक्कार है। तुलसी मन रंजन रंजित रंजन नयन सुख खंजन जातक से सजने ससी में समसील उभे नवनील सरोरो से विकसे। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी के अंजन से रंगे हुए नयन, अंजन मतलब काजल से रंगे हुए नयन सुंदर खंजन पक्षी के बच्चे के समान दिख रहे हैं, अर्थात बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सखी ऐसा जान पड़ रहा है जैसे दो सुंदर नील कमल चंद्रमा में नए रूप में उभरे हैं या निकले हैं। विकसे मतलब उभरना, निकलना या खिलना। तनिकी दुति श्याम सरोरु लोचन तंज की मंजुल ताई हरे अति सुंदर सोहत दूरी भरे छवि भूरी अनंत की दूरी धरे। राम के तन की कांति नील कमल के समान है और नेत्रों की सुंदरता या कोमलता मन को हरने वाली है। धूरी से भरा, धूल से भरा हुआ उनका शरीर कामदेव की सुंदरता को भी कम कर देता है। अर्थात धूली से भरा हुआ रामचंद्र जी का शरीर जो है वो कामदेव से भी ज्यादा सुंदर लगता है। बच्चों, कामदेव सभी देवताओं में सबसे सुंदर माने जाते हैं, तो रामचंद्र जी की सुंदरता उनसे भी अधिक है। दबके दतिया दति दामिनी जो किलके कल बाल विनोद करे अविदेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। उनके नन्हे नन्हे छोटे छोटे दांत बिजली के समान चमक रहे, जैसे बिजली चमकती है उनके दांतों की चमक भी वैसी ही है, और वो हंस हंस कर किलक किलक कर बाल लीला कर रहे हैं। उनकी बाल लीला को देखकर तुलसीदास जी कहते हैं कि अवधेश के ये चारों बालक मेरे मन रूपी मंदिर में सदैव विद्यमान रहे, विराजमान रहे। कबहू शशि मांगत आरे करे कबहू प्रतिबंध निहारे करे कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे। अर्थात रामचंद्र जी कभी कभी चंद्रमा को मांगने का हट करते हैं, कभी अपने ही प्रतिबंध अर्थात परछाई को देखकर डर जाते हैं, कभी ताली बजाकर नाचते हैं, और उनकी इन बाल लीला को देखकर सभी माताएं अर्थात कौशल्या, सुमित्रा और केकई मन में आनंदित होती हैं, खुशी से मन प्रसन्नित होता है उनका। कबहू रिसाई कहे दृढ़ी के पुनि लेत सोई जे ही लागे हरे तो अवधेश के बालक चारे सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे।
अर्थात कभी गुस्सा होकर निसाकर हट करते हैं और जिस चीज के लिए हट करते हैं उसको लेकर ही रहते हैं। तुलसीदास जी की मनोकामना है कि अवधेश के अर्थात अयोध्या नरेश दशरथ के चारों पुत्र उनके मन रूपी मंदिर में विहार करें। बच्चों, इस पाठ को आज आपने अर्थ सहित समझा। आप पंक्तियों को दोहराएंगे और अर्थ को याद करने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।